आज मैं बैंकिंग अकाउंट्स जो कंपनी अकाउंट्स का पार्ट है उसका बिल फॉर कलेक्शन टॉपिक समझा रहा हूँ। ये टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक है और इस पे एग्जामिनेशन में एक दो बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो मैं आज फिर आपको एक बार बता दूँ। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा उसे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सुविका टीवी को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो जो आपके एग्जाम सीए और सीएम एग्जाम में आपको बेनिफिट्स होंगे। अब मैं आप टॉपिक पे आता हूँ, विल फॉर कलेक्शन। बिल फॉर कलेक्शन में ज्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं। फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, इसमें दो अकाउंट्स खुलते हैं, बिल फॉर कलेक्शन एसेट्स अकाउंट्स एंड बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट। अब इसमें होता क्या है, टू बैलेंस बीडी एसेट्स का, जिस तरह से हम अकाउंट खोलते उस तरह, टू बिल्स रिसीवेबल फॉर कलेक्शन बाय कलेक्टेड बाय बिल डिसनर्ड बाय बैलेंस सीडी। अब बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट, यहां हमने क्या क्या एसेट्स अकाउंट खोला था, यहां हमने लायबिलिटी अकाउंट खोला। अब हम क्या कर रहे हैं, बिल कलेक्टेड टू बिल डिसनर्ड टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस बीडी बाय बिल्स रिसीव फॉर कलेक्शन। अब होते गए जो भी बैलेंस बीडी है बैलेंस सीडी बैलेंसिंग आएगा, बैलेंस फिगर ही आएगा और ये शेड्यूल 12 में ज्यादा ट्रांसफर होके जब हम प्रोविजन बनाएंगे तब आपको आगे जब हम पीएल बनाएंगे पीएल अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब हम आपको इसका समझाएंगे। अभी बिल फॉर कलेक्शन टॉपिक जो है इसके बारे में एक दो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते करते आपको मैं ये समझाऊंगा। एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है ICWA इंटर में 5 मार्क्स का पूछा जा चुका है। ऑन 31 मार्च 2013 एक्स बैंक लिमिटेड हैड 12 लाख बिल फॉर कलेक्शन ड्यूरिंग 2003-04 इट रिसीव फर्दर बिल फॉर कलेक्शन अमाउंट 28,40,000 बिल डिसनर्ड एंड रिटर्न टू कस्टमर वेयर 2 लाख एंड बिल कलेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड वेयर 32,15,000 प्रिपेयर द बिल फॉर कलेक्शन एसेट्स अकाउंट एंड बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट। बहुत ही सिंपल है और इसको हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन है हमारा, ऑन 31 दिसंबर 2003 एक्स लिमिटेड हैड 12th बिल फॉर कलेक्शन। अब बिल फॉर कलेक्शन हमारे पास क्या है, बैलेंस बीडी, बिल फॉर कलेक्शन एसेट्स अकाउंट है, बैलेंस बीडी हमारे पास 12 लाख रुपए, ये हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब बैलेंस, अब बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी बाय बैलेंस बीडी 12 लाख, ठीक। बिल फॉर ड्यूरिंग 2003-04 इट रिसीव फर्दर बिल फॉर कलेक्शन अमाउंट 28,40,000 ड्यूरिंग 2003-04 इट रिसीव फर्दर बिल फॉर कलेक्शन अमाउंट टू 28,40,000। तो बिल फॉर कलेक्शन 28,40,000 ईयर 2003-04
बिल फॉर कलेक्शन द ईयर 28,40,000 हमने यहां लिख दिया, ठीक है। बिल डिस्काउंटेड एंड रिटर्न टू कस्टमर वेयर टू द, बिल जो है उसमें से डिस्काउंट हो गया 2,00,000 का, तो हम क्या करें, बिल डिस्काउंटेड एसेट्स में क्रेडिट कर देंगे इसको हम, और यहां लिख दिया हमने कितना 2,00,000। बिल कलेक्शन, बिल कलेक्शन कितना हो जाए, अब यहां पे क्वेश्चन में हम एक बार और देख सकते हैं, एंड बिल कलेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, इतना बिल कलेक्ट कितना का 32,15,000 का हमने बिल कलेक्ट कर लिया, तो बिल कलेक्टेड 32,15,000 और जो आया बैलेंस, बैलेंस 6,25,000 का बैलेंस शीट, और ये हमारा दोनों मैच है। और इसी तरह हम देख सकते हैं बिल कलेक्टेड 2,00,000, बिल कलेक्टेड, बिल डिस्काउंटेड 2,00,000, बिल कलेक्टेड 32,15,000 और बैलेंस सीडी 6,25,000। अब मैं इसमें देखो, अब एक ट्रिक है, जो एसेट्स है हम इसको उलटते हैं, अगर जो हमारा क्रेडिट साइड है उसको यहां हम डेबिट साइड में करते हैं। यहां आप देख सकते हैं सिर्फ उल्टा गया है, बिल्स कलेक्टेड, बिल्स डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड, बिल्स कलेक्टेड, बिल्स कलेक्टेड, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, बिल्स कर, बिल फॉर कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन। तो ये क्या है, एसेट्स अकाउंट का डेट रिवर्सियल हम लायबिलिटी में कर देते हैं। तो एक ट्रिक भी है और समझने के लिए भी है, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक था। मैं फिर दूसरे क्वेश्चन से आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल से फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। From the following details, prepare bills for collection assets account and bills for collection liability account. On 1/4/2005, bills for collection were 51,00,000. During the year 5/2005-06, bills received for collection amount to 75,00,000. Bill collected during the year 98,47,000. Bill discounted and returned during the year 27,10,000. ये CA में 2006 में 4 मार्क्स का पूछा जा चुका है, तो इसका वेटेज है, अगर थोड़ा सा हम इसको देख ले तो हमारे एग्जाम में ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये बिल्स बैलेंस बीडी, बिल्स कलेक्शन फॉर द वेयर कलेक्शन अकाउंट में बैलेंस बीडी है, ये यहां लिख सकते टू बैलेंस बीडी हमारा है कितना 51,00,000, ठीक 51,00,000 है हमारा। ड्यूरिंग द ईयर बिल रिसीव फॉर कलेक्शन अमाउंट 75,00,000, बिल रिसीव, we receive for collection कितना हो गया हमारा बिल कलेक्शन 75,00,000। बिल कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, अब बिल कलेक्टेड कितना होगा ड्यूरिंग द ईयर में 98,000, 75,000, और बिल डिसऑनर्ड ड्यूरिंग डिसऑनर्ड एंड रिटर्न ड्यूरिंग द ये कितना होगा 27,00,000, और बैलेंस सीडी 43,000, 1,26,00,000 ये हमारा आ गया बैलेंस। अब इसमें लायबिलिटी अकाउंट में भी हम देख सकते हैं बैलेंस बीटी, बिल कलेक्टेड 51,00,000, बिल्स रिसीव 75,00,000, बिल कलेक्टेड, बिल कलेक्टेड फॉर 51,00,000, बिल रिसीव 75,00,000, बिल कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 98,47,000, बिल कलेक्टेड एंड रिटर्न 27,10,000, और बैलेंस सीडी। तो इसमें समझने के लिए बस इतना ही है, जो एसेट्स अकाउंट्स
एक खुलता कलेक्शन एसेट्स अकाउंट एंड कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट। जितने ड्यूरिंग द ईयर में बिल हमारे रिसीव हो रहे हैं उसको डेबिट करेंगे एसेट्स में, और जितने हमारे पास क्रेडिट आपको यहां पे समझ में आ गई होगी। जो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो बिल फॉर कलेक्शन, जितना बिल कलेक्शन के लिए उसको हम डेबिट कर देंगे, और जितना कलेक्ट हो गया उसको हम ड्यूरिंग द ईयर में कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर में हो गया उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ये कलेक्शन एसेट्स अकाउंट, और इसी का रिवर्सल, इसका देखिए हम यहां का रिवर्सल हम यहां कर रहे हैं लायबिलिटी में, और ये लायबिलिटी हमारे बिल फॉर कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर यहां लायबिलिटी साइड में ये डेबिट हो जाएगा। बिल डिसऑनर्ड एंड रिटर्न लायबिलिटी में ये हमारे लिए डेबिट हो जाएगा, और बिल कलेक्टेड ये हमारे लिए यहां पे क्रेडिट हो जाएगा लायबिलिटी से। तो जस्ट इसका रिवर्सल ये है, बहुत ही छोटा टॉपिक था ये, तो इसको आप समझ गए होंगे। अब मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रहा हूं।